आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज स्टेट रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स तो हमें रोल्स लॉ बताना है किसके लिए सोल्यूशन के लिए जो जिसमें वॉलेटाइल लिक्विड हो यानी कि ऐसे लिक्विड जिनकी बॉइल होने की या फिर होने की टेंडेंसी हो और हमें साथ ही साथ मैक्सिमम बॉइलिंग बताना है अलॉन्ग विजाम्पल तो रॉल्स लॉ ने क्या रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है जो वेपर प्रेशर होगा हमारा किसी भी कॉम्पोनेंट का वो इक्वल होगा किसके वेपर प्रेशर इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन टू इट्स वेपर प्रेशर इन द्योर स्टेट ठीक है तो यानी कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग Suppose component A है हमारा, तो उसका जो कॉम्पोनेंट तो ए होगा हमारा वो भी वॉलेटाइल होगा उसका भी कुछ आ, वेपर प्रेशर होगा और सिमिलरली जो हमारा कॉम्पोनेंट बी होगा वो भी वॉलेटाइल होगा तो उसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा हमारे पास अब हमें पता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा पी टोटल जो होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो किसके बराबर आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ठीक है तो यही था हमारा रोल्स लॉ और वॉलेटाइल लिक्विड यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों ही चीजें जो हमारी हो दोनों ही कॉम्पोनेंट जो हो वो वॉलेटाइल हो ठीक है ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एज को एक्सप्लेन करना है मैक्सिमम बॉइलिंग ड्रॉप क्या होते हैं ऐसे सोल्यूशन जो रॉल्ट लॉ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन शो करे ठीक है ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग ओ सो सल्यूशन विट शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन सॉरी लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ ठीक है वो हो गया हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एज अब इसमें क्या होता है इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का वो बहुत ही ज्यादा होता है उसके कॉम्पोनेंट से ठीक है जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा एक सोल्यूशन एच सी एल का और का, तो HCL और का है एच सी एल और टेन डिग्री सेल्सियस पे ठीक है जबकि हमें पता है वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है और जो एच सी एल है वो बॉईल हो जाता है हमारा माइनस एटी फोर डिग्री सेल्सियस पे तो हम लोग देख सकते हैं जो सल्यूशन है वो क्या वो बहुत ज्यादा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है ना वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है as कम्पेयर टू इट्स components तो यही हो गया हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो बहुत कम हो जाता है तो एच सी एल और एच टू का जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा वेपर प्रेशर इज लेस ठीक है वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा हमें वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए सराउंडिंग्स के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तो क्या होगा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा इसीलिए हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजो बनते हैं ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर